जैसे खतरनाक वायरस के खतरे के बावजूद फिल्म अभिनेता सोनू सूद लॉकडाउन में फंसे गरीब मजदूरों की लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सत्ताधारी शिवसेना को सोनू सूद की जनसेवा में भी खोट नजर आने लगा है। इसीलिए शिवसेना नेता संजय राउत ने पहले तो उन पर निशाना साधा और जब घिरने लगे तो सफाई दी कि सोनू सूद अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन पिक्चर का डायरेक्टर कोई और है। दरअसल संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक टोक कॉलम में तंज मारते हुए लिखा था, लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम का एक महात्मा तैयार हो गया। इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है? उनके इस बयान पर जब बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कोरोना के संकट काल में इंसानियत के नाते मजदूरों को सड़क पर उतर के सहायता करने वाले सोनू सूद पर संजय राउत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, खुद की सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम हो गई, ये सच्चाई सोनू सूद पर आरोप करके छिप नहीं सकते। जिस काम की सराहना करने की आवश्यकता है उस पर भी आरोप। सोनू सूद के खिलाफ अपने बयान पर घिरे शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सोनू सूद अच्छे अभिनेता हैं, फिल्म का डायरेक्टर कोई और है। उन्होंने जो काम किया है वो अच्छा है, लेकिन संभव है कि इसके पीछे राजनीतिक डायरेक्टर कोई और है। इससे पहले सोशल मीडिया पर भी सोनू सूद की मदद पर सवाल उठ चुके हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद लोग उन्हें बीजेपी का एजेंट बताने लगे थे। हालांकि इन आरोपों से बेखबर सोनू सूद लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। अब तक 16 से 17 हजार प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं।